नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग से, कोरोना वायरस। थाईलैंड से लौटा युवक घर की, दुबई से लौटे व्यापारी की तलाश। कोरोना वायरस को लेकर शहर में बेहद सतर्कता बरती जा रही है। बाहर खासकर विदेशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। जापान से लौटी एक महिला को अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम खोज नहीं पाई कि दुबई से लौटे एक ज्वेलरी व्यापारी ने हड़कंप मचा दिया। इसी बीच थाईलैंड से लौटे एक 27 वर्षीय युवक को कोरोना का संदिग्ध मरीज मानकर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। बताया जाता है कि जापान से आई महिला को खोजने में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। इसी बीच एक नई खबर आई कि लॉर्डगंज थाना क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी व्यापारी के दुबई से लौटने के बाद आसपास के व्यापारियों में दहशत का माहौल। वहीं दूसरी ओर उक्त व्यापारी ने न तो स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी और न तो अपने परिवार वालों का टेस्ट कराया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को भी व्यापारी के दुबई से लौटने की जानकारी मिली है। विक्टोरिया अस्पताल के CMHO डॉक्टर मनीष मिश्रा का कहना है कि विभाग की टीम जाकर व्यापारी की हिस्ट्री और स्क्रीनिंग करेगी, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। आम नागरिकों से अपील की कि विदेशों से लौटने वाले को खुद जानकारी देनी चाहिए। विभाग पूरी तरह से तत्पर है, लोगों की जागरूकता से ही इसकी रोकथाम होगी। जबलपुर सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। आपके अपने न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताज़ा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।